नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ज़रूर दबाइए। दोस्तों, कल 26 जुलाई है और कल हरियाली तीज भी है। मित्रों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। इस बार ये पर्व 26 जुलाई को है, बुधवार को है। दोस्तों, कुछ स्थानों पर लोग इसे मधुसरवा तीज भी कहते हैं। इस दिन माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए शरण गौरी व्रत भी किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से माता पार्वती प्रसन्न होती है और पति पत्नी में प्रेम बना रहता है। तीज को 5 में से कोई भी एक उपाय करने मात्र से आपको विशेष लाभ मिलता है और आपके पति की आयु लंबी होती है। इस दिन पहला उपाय है कि आप हरियाली तीज पर 11 नववधुओं को सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, मेहंदी, चूड़ी, काजल, लाल चुंदरी आदि भेंट कर दीजिए। आप 11 नववधुओं को सुहाग का सामान भेंट कीजिए, आपको इसमें लाभ मिलेगा। इससे आपके पति की आयु लंबी होती है। दूसरा उपाय है, हरियाली तीज पर पत्नी एक चावल की खीर बनाएं और इसका भोग माता पार्वती को जरूर लगाएं। पर इस खीर को पति पत्नी साथ बैठकर खाएं, इससे पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है तथा उनकी वैवाहिक जीवन की उम्र बढ़ जाती है। तीसरा उपाय है, इस दिन पति पत्नी सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद किसी शिव पार्वती मंदिर में जाएं और लाल फूल अर्पित करें। इस उपाय को करने से आपके पति की आयु जो है वो बढ़ जाती है और आप अखंड सौभाग्य को प्राप्त करती हैं और शिव पार्वती विशेष खुश होकर आपको लंबी आयु का वरदान प्राप्त करते हैं। आप हरियाली तीज पर चौथा उपाय यह है कि आप हरियाली तीज पर माता पार्वती का दूध में केसर मिलाकर अभिषेक कीजिए। दोस्तों, इस उपाय को करने से पति पत्नी के बीच में प्रेम बना रहता है। पांचवा, माता पार्वती को हरियाली तीज के दिन लाल रंग की चुनरी, लाल चूड़ियाँ, सिंदूर, मेहंदी और गुलाब के फूल आदि सुहाग की सामग्री माता पार्वती को अर्पित करें। ये करने से आप अखंड सौभाग्य को प्राप्त करती हैं। अगर आप इन 5 में से कोई भी एक उपाय भी करते हैं तो माँ पार्वती और भगवान शिव आपको प्रसन्न होकर विशेष आशीर्वाद प्रदान करते हैं तथा आपके पति की आयु लंबी होती है और आप अखंड सौभाग्य को प्राप्त करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।